वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका hindustanmera.com पर। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दरअसल क्रिकेट जगत की दो सबसे पुरानी टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कई रोचक किस्से और कहानियां हैं। ऐसा ही एक रोचक किस्सा है साल 1990 टूर का। उस वक्त इंग्लिश टीम एशेज सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी। सीरीज से पहले इंग्लिश टीम का सामना वहां की घरेलू टीम न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड से था। यह एक प्रैक्टिस मैच था। इंग्लैंड को न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ करारी हार मिल चुकी थी। अब बारी थी कि क्वींसलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की। इस मैच के शुरुआत 20 जनवरी को हुई। शुरुआती दिन तो बेहतर गुजरा, मगर दूसरे दिन यानी 21 जनवरी को मैदान में जब अचानक दो खिलाड़ी लापता हो गए तो हड़कंप मच गया। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। क्वींसलैंड के खिलाफ इस वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का निर्णय लिया था। पहले दिन इंग्लिश बल्लेबाज पूरे दिन बल्लेबाजी की। अगले दिन इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉन मॉरिस शतक लगाकर पवेलियन लौटे। इससे पहले उनके साथी खिलाड़ी और दोस्त डेविड गोवर भी आउट होकर आ चुके थे। यह दोनों बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में बैठे गप लड़ा रहे थे। इस बीच गोवर ने एक और साथी खिलाड़ी से बात की कि वह पास खड़े एक प्लेन को उड़ाने जा रहे हैं। इतना सुनते ही मॉरिस भी एक्साइटेड हो गए। फिर गोवर और मॉरिस हवाई सफर के लिए ड्रेसिंग रूम से चुपचाप निकल गए। मैदान से प्लेन के रनवे का रास्ता बहुत दूर नहीं था। दोनों खिलाड़ी करीब 20 मिनट के लिए स्टेडियम से बाहर निकल गए। बाहर आते ही गोवर और मॉरिस रनवे पर खड़े टाइगर मौत विमान पर चढ़ गए। इसके बाद दोनों ने उड़ान भरी। प्लेन रनवे ओवल मैदान से बहुत नजदीक था। ऐसे में मैदान के आसपास पहले भी कई विमान आते जाते थे, मगर जिस प्लेन में गोवर और मॉरिस सवार थे उसने मैदान के नजदीक चक्कर लगाए। दरअसल गोवर ने पायलट को पहले ही बता दिया था कि हम मैच खेल रहे खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए विमान उनके करीब ले जाएंगे। बाद में वह मैदान से करीब 200 फीट ऊपर तक आ गए थे। प्लेन को मैदान का चक्कर काटता देख मैच खेल रहे खिलाड़ी हैरान रह गए। उस वक्त इंग्लिश बल्लेबाज स्मिथ और एलन लैम्ब बल्लेबाजी कर रहे थे। लैम्ब पहले से जानते थे कि यह शरारत किसकी है। ऐसे में उन्होंने बल्ले से हवा में ऐसा इशारा दिया कि मानो गोवर और मॉरिस से वह कह रहे थे कि मैं अभी बल्ला फेंककर तुम लोगों को नीचे गिरा दूंगा। खैर, आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद गोवर और मॉरिस रनवे पर लौट आए और सीधा मैदान पहुंचे, जहां टीम के बाकी सदस्य उन दोनों को डांटने के लिए खड़े हुए थे। गोवर और मॉरिस के पास वापस आने के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ दोनों को फटकार लगाई, साथ ही दोनों बल्लेबाजों पर 90,000 का जुर्माना भी लगाया। यही नहीं, मॉरिस का क्रिकेट करियर भी इसके बाद खत्म हो गया। गोवर तो इंग्लैंड के लिए आगे खेलते भी रहे, मगर मॉरिस इंग्लिश टीम में दोबारा कभी नहीं चुने गए। तो पीपल्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।